वेलकम यू गाइज। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उससे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है, रियल लाइफ क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं पर हमको अगर हाइट और डिस्टेंस में रिलेशन फाइंड करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइट एंड डिस्टेंस, सपोज दैट कि ये कुछ डिस्टेंस और कुछ हाइट पे क्या है, एक टावर लगा हुआ है। तो डी डिस्टेंस पे हम लोग का क्या लगा है, कुछ एक टावर एच हाइट का लगा हुआ है। हमको ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इस लाइन को इस लाइन से हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई एंगल सपोज दैट क्या मान लिए थीटा। तो इस थीटा के हेल्प से हम लोग एच और डी में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर लेंगे। और अगर हम लोग को ग्राउंड का डिस्टेंस, ये अगर हम लोग डी मेजर कर लें, कौन सा डिस्टेंस, ये ग्राउंड का जो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर कर लें तो इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ एक यूज होता है। सेकेंड यूज है हम लोग का क्या, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है फ्रेंड्स। एस्ट्रोनॉमी तो एंशियंट टाइम में भी एस्ट्रोनॉमी में इस ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज होता था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावे अगर हम लोग देखें कि आजकल जो हम लोग का क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें दो एग्जाम होते हैं, कौन कौन से, मैन और एडवांस का, मैन एंड एडवांस। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेई मैन के अलावे इसमें जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, तो दोनों ही जगह पे ट्रिगोनोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिगोनोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब तो हम लोग के यूज हो गए ट्रिगोनोमेट्री का, क्यों क्या यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, ये ग्रीक के वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड्स दैट इज, जो ग्रीक वर्ड है वो कौन कौन सा है, तो इसको ध्यान से देखें तो तीन वर्ड है। एक हम लोग का क्या है, ट्राई है, अगेन गॉन है, फिर क्या है, मेट्री है। दैट मीन्स ये कि तीन ग्रीक वर्ड होते हैं, दैट इज अ ट्राई, फिर गॉन, फिर अगेन हम लोग का क्या है, मेट्रॉन, ठीक है। तो ये तीन वर्ड से एक्चुअली मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। तो ट्राई मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, तो ट्राई मतलब होता है हम लोग का थ्री, गॉन मतलब हम लोग का होता है एंगल, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्राई गॉन मेट्रॉन, तो ट्राई मतलब हम लोग का हो गया थ्री, गॉन मतलब हो गया हम लोग का एंगल, और मेट्रॉन का क्या मतलब हो गया, मेजरमेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, इसको क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। या फिर अगेन हम इस दो वर्ड को मिलाएं तो थ्री एंगल्स किसमें होता है फ्रेंड, ट्रायंगल में, किसमें होते हैं, ट्रायंगल में, किसमें होते हैं, ट्रायंगल में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कोई भी ट्रायंगल हम लोग का ए बी सी है, कोई भी ट्रायंगल हम लोग सपोज दैट क्या मान लिए, ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का साइड ए हो जाएगा, ये साइड हम लोग का बी हो जाएगा, ये साइड हम लोग क्या मान लिए, सी। तो यहाँ जो तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल होता है, ठीक है। और मेजरमेंट हम लोग का यहाँ पे है ही, दैट मीन्स क्या हो गया कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो इसका एक्चुअल मीनिंग हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग हो गया। तो दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि इसमें एंगल्स कितने होते हैं, ट्रायंगल में हम लोग के एंगल कितने हैं, थ्री एंगल है। हम लोग का साइड्स देखें इसमें क्या है, तो थ्री है। तो इन्हीं एंगल और साइड्स के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में, किसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्हीं एंगल और साइड्स में क्या रिलेशंस होते हैं या इनके बीच क्या रिलेशंस होता है, तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।